हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। हम बुक सेकंड के लिए ट्रांसपोर्टेशन के कुछ मेथड्स पढ़े थे, उसमें से अब एक और मेथड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ एन इंटू एन मैट्रिक्स सीआईजे, कॉस्ट इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स, वेयर सीआईजे इज कॉस्ट ऑफ आईथ फैसिलिटी ऑफ पर्सन ऑफ जेथ जॉब। यानी कि कॉस्ट और पर्सन के बीच में जो का इसका मैट्रिक्स होगा एन इंटू एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का, ठीक है। एन पर्सन कैन बी असाइन एन जॉब इन एन वेज, ये हमें पता है कि हम एन पर्सन को एन वेज में जो है जॉब असाइन कर सकते हैं, किस चीज को यूज करके, असाइनमेंट प्रॉब्लम को यूज करके। तो इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहला क्वेश्चन मैं आपको पूरे स्टेप वाइज समझाऊंगी, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन होगा उसको आपको डायरेक्ट बताऊंगी, आप जो लैंग्वेज होगा उसको आप खुद भी कर सकते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम, इस तरीके से मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है इनके पर्सन होंगे और ये इनकी जॉब्स होगी, और किस अकॉर्डिंग इनकी जॉब असाइन की जाएगी इनको, इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि कॉलम रो में से जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उससे सबको माइनस करना होता है। सेम कॉलम के लिए भी होता है। कॉलम के लिए कब अप्लाई करते हैं, जैसे जब हमने रो में सबसे छोटे नंबर को माइनस करा तो रो हर रो के और कॉलम के रिस्पेक्ट में 0 0 0 बनने चाहिए, ठीक है। वो कैसे होंगे, सबसे पहला जो उसका स्टेप होगा वो हम इस तरीके से लिखेंगे। एग्जाम में आपको इस तरीके से लिख कर आना है लैंग्वेज के साथ, सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रो। यानी कि उस छोटे नंबर से कॉरस्पॉन्डिंग रो के सारे नंबरों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बनेगा, यहां पे देखते हैं। ट्वेल्व सबसे छोटा नंबर है, 0, 12 में से 30 गया 8, 12 में से 21 9 और ये 3, यहाँ पे 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फिर इसमें सबसे छोटा 9 है, तो 9 24 0 22, इन सब में छोटा 21 है तो 23 4 3 0, इन सब में छोटा 23 है सॉरी 14 है, तो ये हो जाएगा आपका 9 16 14 0। ये हमारा रो के रिस्पेक्ट में हो गया। अब सेकंड जो इसका स्टेप होगा वो होगा सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। इसका सेकेंड स्टेप होगा, जैसे रो में किया था सेम वैसे ही कॉलम के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले बॉक्स बनाना होगा, अब देखिए यहां पे कॉलम में सबसे छोटा नंबर 0 है, तो 0 से सबको माइनस करेंगे तो बात वही पड़ गई, वापस से वही आएगा। इसमें सबसे छोटा नंबर 4 है, तो 4 20 0 12, इसमें छोटा 0 है तो वापस से वैसे उतर जाएगा, और इसमें भी 0 है तो वापस से वैसे उतर जाएगा। तो मतलब जिसमें कॉलम में 0 नहीं है सिर्फ उसी में हमें सबसे छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप से जो है हम असाइन करना सीखेंगे, तो थर्ड स्टेप देखते हैं। तो इसका थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में थोड़ी लैंग्वेज लिखनी है, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि लैंग्वेज का मतलब क्या है। नाउ वी टेस्ट वेदर इट इज पॉसिबल टू मेक असाइनमेंट यूजिंग जीरो बाय स्टार्टिंग द फर्स्ट, पहले रो में चेक करते हैं इसमें भी, फर्स्ट रो वी मेक
वी मार्क या फिर इस तरीके से डब्बा बनाते हैं. इन द रो कंटेनिंग ओनली वन जीरो, यानी कि जिस रो में सिर्फ एक जीरो होगा उस रो में क्या बना देंगे है? उस रो के जीरो में क्या बना देंगे, इस तरीके का बॉक्स बना देंगे जिसमें सिर्फ वन जीरो हो, एक रो में एक जीरो, ठीक है. एंड क्रॉस द अदर जीरो इन कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम इन विच एंड क्रॉस द ओ इन विच कॉरेस्पॉन्डिंग इन कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम इन विच डब्बा लाइज. अब इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो हम जो ये बनाया है इसको सेम एज इट इज बनाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम असाइन करते हैं. इसकी लैंग्वेज पे मत जाना क्योंकि बहुत इजी है असाइन करना. फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 1, 2, 3, 4, 0, 4, 9, 3, 9, 20, 0, 22, 23, 0, 3, 0, 9, 12, 14, 0. इस तरीके से हमने जो ऊपर हमने टेबल बनाई थी वैसे लिख दी. अब मैं असाइन करना बताती हूँ. सबसे पहले हम कॉलम में चेक करेंगे, इस कॉलम में सिर्फ एक जीरो है तो ये जो होगा डब्बा बन जाएगा. अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कहीं पे जीरो होता इस साइड या फिर इस साइड कहीं पे, तो क्या होता उस जीरो पे क्रॉस लग जाता, पर है नहीं तो कुछ नहीं होगा. फिर अब इस कॉलम इस रो में देखेंगे, इसमें भी एक ही जीरो है तो यहां पे बन जाएगा. इसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग अगर यहां पे और यहां पे कहीं पे जीरो होता तो वहां पे क्रॉस हो जाता. ये जो कह रहे हैं ना कि क्रॉस बना देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में जहां पे डब्बे लाए कर रहे होंगे, इसका मतलब कि डब्बे के अलावा जो कहीं पे जीरो होंगे यहां पे या फिर यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम और रो में उसके, तो वहां पे क्रॉस बन जाएगा. अब देखिए यहां पे दो जीरो है तो हम यहां से जंप कर जाएंगे, यानी कि हम यहां पे कहीं पे भी डब्बा नहीं बनाएंगे क्योंकि दो जीरो है. अगर सिंगल होता तो हम डब्बा बना देते. अब लास्ट वाले में क्या है, डब्बा बन जाएगा. अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे जीरो है, यहां पे भी कहीं पे जीरो होता वहां पे भी क्रॉस हो जाता, पर यहां पे जीरो है तो यहां पे क्रॉस हो जाएगा. फिर कॉलम वाइज चलेंगे तो ये डब्बा बचा खाली, तो सॉरी ये जीरो बचा तो इसमें डब्बा बन जाएगा. हमने क्या करा, अब हम चेक करेंगे कि हर कॉलम और हर रो में जीरो होना चाहिए. हर रो में जीरो है, हर कॉलम में जीरो है, यही असाइनमेंट कहलाता है, यानी कि ये हमने असाइन कर दिए. अब इनके असाइनमेंट के अकॉर्डिंग इनकी जॉब कैसे मिलेगी, जहां पे डब्बे हैं फर्स्ट को फर्स्ट वाली जॉब मिली है, सेकंड को थर्ड वाली मिली है, थर्ड को सेकंड वाली मिली है, डब्बे जहां पे डब्बा बना है उसके अकॉर्डिंग फोर्थ वाले को फोर्थ की जॉब मिली है. इस तरीके से हर पर्सन को उसकी जॉब जो है असाइन हो गई है. ये आपको समझ में आया, अगर सिंगल जीरो होगा तो डब्बा बन जाएगा, डबल आएगा तो हम लोग उस जगह उस रो से जंप कर जाएंगे, उसके बाद फिर जहां फिर जो कॉलम है वहां पे चेक करेंगे. जैसे कॉलम में यहां पे जीरो बना हुआ था यहां पे डब्बा बना दिया, यहां पे नहीं बना हुआ था तो यहां पे डब्बा बनाया, फिर कॉलम के अकॉर्डिंग यहां पे बना हुआ था तो हमने इसको रहन दिया, और यहां पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में और रो में कहीं पे भी जीरो आता है तो हम क्या करते थे, क्रॉस कर देते, तो इसलिए यहां पे क्रॉस हो गया. और ये जो था इसकी जो जॉब थी इस तरीके से असाइन हुई, ठीक है. अब जो इसका लास्ट स्टेप होगा वो क्या लिखेंगे, लास्ट में इसको लिखेंगे सिंस इन द लास्ट टेबल एवरी रो एंड एवरी कॉलम हैज वन असाइनमेंट, जो मैंने आपको बताया कि हर कॉलम और हर रो में असाइनमेंट होना चाहिए, सो वी हैव कंप्लीट द ऑप्टिमल जीरो असाइनमेंट. बस इजी था बहुत, अगर आपको समझ में आया तो बहुत इजी था. इसी तरीके से इसे करना था, डब्बे असाइन करना इज द ओनली टास्क इसमें, ठीक है. एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ. अब इस क्वेश्चन को भी हमें असाइनमेंट के थ्रू करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो में लीस्ट नंबर देख के सबसे माइनस कर देंगे, तो लगाते हैं इसमें
सबसे छोटा 2 है 0, 1, 2, 3, सबसे छोटा 4 है 0, 1, 2, 3, सबसे छोटा 7 है 0, 1, 2, 1, सबसे छोटा 3 है 0, 2, 5, 1। रो में हो गया, लैंग्वेज नहीं लिखा रही हूँ क्योंकि लैंग्वेज मैं आपको लिखा चुकी हूँ एक बार, आपको समझ में आ गई होगी वहां से। बस यहाँ पे आपको मेथड बता रही हूँ ताकि असाइनमेंट जो हो रहा है, असाइन हो रही है जो जॉब्स, वो आपको क्लियर हो जाए। कॉलम के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 0, 0, यहाँ तो सब जगह 0 है, यहाँ 1 छोटा है 0, 0, 0, 1, यहाँ पे 2 है 0, 0, 0, 3, यहाँ पे 1 है तो 2, 2, 0, 0। अब असाइन करेंगे, अब यहाँ पे देखो इतने सारे 0 हैं तो यहाँ पे कैसे असाइन करेंगे, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि कॉरेस्पॉन्डिंग 0 के जो डब्बे होते हैं उनमें कैसे क्रॉस लगता है और डब्बे बनते हैं, वो चीज यहाँ पे समझ में आएगी आपको। तो सबसे पहले हम रो चेक करेंगे, रो में सब जगह जंप हो जाएंगे क्योंकि सब जगह 0 मतलब 0 है, ठीक है। मतलब सबसे मिनिमम 0 यहां पर है तो सबसे लास्ट वाली में है देखा जाए तो, क्योंकि रो में कहीं तो 0 बनाने होंगे, वहां पे क्या थे मिनिमम 0 1 थे तो हमने 1 वाले डब्बे में असाइन करा, यहाँ पे मिनिमम 2 है तो इस वाले को असाइन करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी 0 है क्रॉस हो जाएगा इसमें और इसमें। अब रो तो हो गया, अब क्या देखेंगे कॉलम, कॉलम में यहाँ 0 असाइन होगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये और ये चेक करेंगे, फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये चेक करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे डब्बा रह जाएगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे ये लिखना जरूरी है ए बी सी डी 1, 2, 3, 4, ए बी सी डी 1, 2, 3, 4। जब बहुत सारे जीरोज आ जाएंगे तो हम क्या देखेंगे मिनिमम नंबर्स, रो में चेक करेंगे कि सबसे मिनिमम नंबर कहां पर, नंबर ऑफ जीरोज कहां पर है, उसके अकॉर्डिंग हम डब्बे बनाएंगे, ठीक है, उसी में डब्बे बनेंगे सिर्फ, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी जीरो होंगे वहां क्या लग जाएंगे क्रॉस लग जाएंगे, फिर हम कॉलम में चेक करेंगे। अब हम क्या चेक करेंगे कि सारे रो और सारे कॉलम में 0 हैं, सारे रो में इधर भी 0 इधर भी 0 इधर भी 0 इधर भी, कॉलम में इधर भी 0 इधर भी 0 इधर भी 0 इधर भी 0, यानी कि हमारा क्या हो गया, हमने असाइन कर दी जॉब ए वाले को सेकंड, बी वाले को थर्ड, सी वाले को फर्स्ट, सॉरी सी वाले को फोर्थ एंड डी वाले को फर्स्ट, तो ये क्या हो गई जॉब असाइन हो गई इस तरीके से। यहां पे भी समझ में आ गया, वहां पे कम जीरोज थे तो इजिली बन रहा था, ज्यादा जीरोज में इस तरीके से करेंगे। अब नेक्स्ट देखो, अब हंगेरियन मेथड है, हंगेरियन मेथड के कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को एक बार पढ़ देती हूँ आपके लिए, उसके बाद क्वेश्चन में समझाऊंगी कि ये कैसे लग रहे हैं, क्योंकि पढ़ के ज्यादा समझ में नहीं आएगा, सॉल्व करके ज्यादा समझ में आएगा, पर फिर भी स्टेप्स समझा देती हूँ। जैसे अभी हम असाइनमेंट अरेंज कर रहे थे, असाइनमेंट बना रहे थे, अगर असाइनमेंट हर रो और हर कॉलम में नहीं बने, यानी कि किसी कॉलम में छूट गया, असाइन नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, तब वहां पे हमारा हंगेरियन मेथड लगता है, ठीक है। हंगेरियन मेथड का सबसे पहला स्टेप है मार्क टिक ऑल द रो इन विच असाइनमेंट हैव नॉट मेड, यानी कि उन रोज को मार्क करना है जहां पे असाइनमेंट नहीं बने, यानी कि कहीं ऐसी रो ढूंढेंगे जहां पे डब्बा नहीं बना है, तो उसके आगे क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे उस रो के आगे, टिक ऐसे ऐसे मतलब इस तरीके से टिक लगाएंगे आगे से। मार्क टिक कॉलम विच क्रॉस 0 कॉरेस्पॉन्डिंग टू मार्क्ड रो, यानी कि जैसे सपोज ये कोई रो है, इसके कहीं बीच में डब्बा नहीं है, सिर्फ क्रॉस है, तो यहां पे टिक लग जाएगा। इस रो के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में कहीं पे डब्बा है, मतलब यहां 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 कहीं पे भी डब्बा बन रहा है क्रॉस के साथ, तो उस कॉलम में टिक हो जाएगा, यानी कि नीचे यहां पे टिक होगा, इस तरीके से ये एग्जांपल के तौर पे बता रही हूं, ठीक है। फिर स्टेप थर्ड है मार्क्ड रो नॉट ऑलरेडी मार्क्ड इन विच हैव असाइंड 0 कॉरेस्पॉन्डिंग टू मार्क्ड कॉलम, यानी कि फिर हम वो रो चेक करेंगे जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में क्रॉस होगा पर रो में क्रॉस नहीं होगा, तो वो टिक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद रिपीट द प्रोसेस, अगर हमारे जो सारे जीरोज हैं वो कवर नहीं हो रहे हैं तो रिपीट करते हैं प्रोसेस को, ठीक है। अब वो कैसे रिपीट, मतलब कैसे रिपीट करते हैं, जैसे हमने जितनी भी टिक करी हुई रोज थी और टिक करे हुए कॉलम थे, हम जो अनटिक्ड रो होगी उसमें डैश 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 लगाएंगे, वो मैं आपको क्वेश्चन में सुनाऊंगी कैसे, और कॉलम जो टिक्ड कॉलम है उसमें डैश लगेगा, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे हंगेरियन मेथड को, वो मैं आपको क्वेश्चन में अभी समझा दूंगी।
देखिए क्वेश्चन है ये, इसमें असाइनमेंट वाला जो मेथड था अभी जो मैंने समझाया था वो लगेगा, अनटिल एंड अनलेस हमारा जो रो और कॉलम है वहां पे सब जगह असाइनमेंट हुए होंगे, हुए नहीं होंगे तब हंगेरियन मेथड लगेगा, अगर हो गए होंगे तो फिर असाइनमेंट हो गया, वो असाइन हो गए, अगर नहीं हुआ होगा तो हंगेरियन मेथड लगेगा। तो सबसे पहला हमारा जो मेथड होता है इसमें सबसे पहला स्टेप वो क्या होता है, रो में सबसे मिनिमम ढूंढ के जीरो बनाओ, कॉलम में ढूंढ के जीरो बनाओ। तो रो और कॉलम मैं दोनों करके डायरेक्ट यहां पे बना देती हूँ, यानी कि रो और कॉलम का दोनों का साथ में करके ये आपका थर्ड स्टेप होगा। ठीक है, वो स्टेप स्किप कर दिया क्योंकि हम कर चुके हैं इससे पहले, पर पेपर में नहीं स्किप करना है। ठीक है, 3 2 2 2 0 0 2 0 1 4 3 3 2 0 0। ठीक है, अब इसी में मैं असाइन भी करके बता दूं, फिर इसके बाद वाला जो तरीका होगा वहां पे हंगेरियन मेथड लगेगा। तो ये वाले में एक जीरो ये हो जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रॉस, फिर इसमें दो है स्किप स्किप, कॉलम में चेक करेंगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जीरो क्रॉस, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्रॉस क्रॉस हो गया। अब मैंने जो बोला था स्टेप फर्स्ट मार्क टिक ऑल द रो इन विच असाइनमेंट हैव नॉट मेड, पहले रो ढूंढेंगे जिसमें असाइनमेंट नहीं बना है, इसमें नहीं बना है टिक, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो असाइनमेंट जिसमें हुआ है कॉलम में टिक। अब ऐसा कॉलम ऐसा रो ढूंढो जहां पे सिर्फ असाइनमेंट ही असाइनमेंट हो, ये यहां पे कहीं पे क्रॉस नहीं है तो ये। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप क्या बोला था मैंने इसमें, ऐसी कॉलम ऐसी रो ढूंढो जिसमें असाइनमेंट नहीं हुआ है, इसमें असाइनमेंट नहीं है, इसमें कभी भी डब्बा नहीं है तो इसके आगे टिक। फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसा कॉलम ढूंढो जहां पर असाइनमेंट बना हुआ है, तो इसमें ये क्रॉस है, इसमें असाइनमेंट बना हुआ है, ये टिक। फिर ऐसा रो ढूंढो जिसमें सिर्फ असाइनमेंट ही असाइनमेंट हो, ये टिक। अब इसके वाला नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको बोली थी कि आपको लाइन खींचनी है, अनटिक्ड रो, अनटिक्ड रो ये अनटिक्ड रो है और टिक्ड कॉलम ये बन गई हमारे डैश। सबसे छोटा नंबर वन है, जहां जहां पे डैश डैश किए गए हैं, ठीक है, जहां जहां पे डैश डैश किए गए हैं वहां पर कुछ भी नहीं जुड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस इस तरीके का प्लस का साइन हो, ये इन दोनों में प्लस का साइन है तो यहां पे जुड़ेगा क्या, सबसे छोटा लीस्ट नंबर, और बाकी जो ये नंबर जिनमें लाइनें नहीं बनी गई हैं इनमें सब्ट्रैक्ट होगा। कैसे, देखिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा चीजों को अरेंज करने के लिए। क्या कहा मैंने, सबसे लीस्ट नंबर को जहां पे लाइनें खींच, ये जो जो लाइन बनी हुई है ना जिसमें सिंगल लाइन बनी हुई है यहां पे प्लस का साइन नहीं बन रहा है, पर इसमें और इसमें प्लस का साइन बन रहा है, ये और ये देखिए, तो यहां पे वन नंबर जुड़ेंगे, पर जहां पे सिर्फ सिंपल लाइन खींची गई है वहां पे कोई छिड़ाखानी नहीं होगी, नंबर एज इट इज लिखे जाएंगे, और बचे हुए नंबर जिनमें डैश डैश नहीं है वहां पे माइनस होगा लीस्ट नंबर से, 2 1 1 ये 3 हो जाएगा, प्लस करने को बोला था, ये ऐसी रहेंगे एज इट इज, ये भी 0 ये 0 3 2 ये 4 2 0 0 ऐसी रहेंगे। अब असाइन करेंगे 0 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्रॉस, स्किप स्किप स्किप, रो में चेक करेंगे ये 0 क्रॉस, फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये 0, अच्छा सॉरी ये 0 हो गया था तो ये डबल बन जाएगा ना, अब एक 0 हो गया तो एक बचा है तो ये रो में तो चेक कर सकते हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्रॉस, फिर ये डबल बनेगा रो अगर कॉलम में चेक करेंगे तो, फिर ये क्रॉस और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये डब्बा। क्या बोला मैंने यहां पे, सबसे पहले मैं इसको दोबारा यहां पे बना के दिखा देती हूँ आपको, यहां पे कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, जीरो टू वन वन यहां पे तो आपको पता चल गया होगा माइनस करना है, क्या करना है करके, और जहां पे प्लस बन रहा है वहां पे, सॉरी प्लस का साइन बन रहा है वहां पे प्लस करना है। सबसे पहले हमने यहां पे डब्बा बनाया, एक 0 था ये क्रॉस हो गया, अब कॉलम में चेक करेंगे यहां पे तो ऑलरेडी क्रॉस हो गया तो मतलब ये 0 बचा है तो ये डब्बा बन गया, साइंड हो गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये 0 हो गया मतलब क्रॉस हो गया, फिर ये डबल 0 थे स्किप हो गए, कॉलम में आएंगे, कॉलम में ये आएंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, बचा हुआ ये 0। अब हम चेक क्या करेंगे कि हर कॉलम और हर रो में क्या होने चाहिए, असाइनमेंट होने चाहिए, ये लिखना मत भूलना है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग ही असाइन की जाएंगी सारी चीजें।
वहां पे आपको स्टेटमेंट के साथ लिखना है, स्टेप वन में सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम रो, स्टेप टू में सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम कॉलम, स्टेप थर्ड में असाइनमेंट कर रहे हैं, स्टेप फोर्थ में किस तरीके से हम हंगेरियन मेथड का यूज करके क्रॉस और ये लाइन वगैरह बनाकर डिटेल में जितना लिख के आ सकते हो उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ वाले स्टेप में थे, ये आ गया। अब हम हर रो में चेक करेंगे, जीरो 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 जीरो, हर कॉलम में जीरो 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 जीरो, यानी कि अब इसके अकॉर्डिंग हम असाइन कर सकते हैं। तो यहां पे बना देती हूं, ए वाले को कौन सा असाइन किया गया है, फर्स्ट, बी वाले को थर्ड, सी वाले को सेकंड, डी वाले को फोर्थ। तो ये इसके असाइन कर दिए गए हैं जॉब्स। समझ में आया हंगेरियन मेथड? एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो ये क्वेश्चन है, इसमें भी पहले हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे, फिर देखेंगे कि चेक करेंगे कि असाइनमेंट डायरेक्ट बन जा रहा है या फिर हमें हंगेरियन यूज करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को समझेंगे कि हंगेरियन किस जगह पे यूज होगा और किस जगह पे नहीं यूज होगा। तो पहले चेक करते हैं क्या बनाएंगे, रो के अकॉर्डिंग। पहले रो के लिए, रो में से सबसे मिनिमम छोटा जो होगा उससे माइनस करेंगे, सबसे छोटा माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 236, 44 सबसे छोटा है ना, 8, 16, फिर इसमें सबसे छोटा 40 है तो 20, 16, 0, 32, फिर इसमें सबसे छोटा 36 है, 0, 24, 12, 12, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 36 है, ये 36 से सबसे छोटा है, 0 एंड 4। तो ए बी सी डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब किस में लगाएंगे, ऐसे ही कॉलम में लगाएंगे, थोड़ी सी डब्बे आड़े थे छो रहे हैं लेकिन एडजस्ट कर लेना, क्वेश्चन पेपर में साफ से बना के आना स्केल से, मैं आपको समझा रही हूँ सिर्फ। ए बी सी डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब कॉलम के लिए माइनस करेंगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी जीरो है तो इसमें करने की जरूरत नहीं है, इसमें सबसे छोटा 16 है तो 20, 0, 8, 24, इसमें ऑलरेडी जीरो है तो एज इट इज उतर जाएगा, इसमें सबसे छोटा 4 है तो 12, 28, 8, 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, असाइनमेंट असाइन करना है अभी हमें, इसे असाइन करने के लिए दोबारा से बनाना होगा ये डब्बा। देखिए यहीं से डिसाइड होगा कि हंगेरियन मेथड लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो 0, 20, 8, 12, 20, 0, 0, 28, 0, 8, 12, 8, 16, 24, 0, 0। तो यहां पे एक डब्बा, जंप जंप जंप, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग ये कैंसिल, फिर कॉलम में आएंगे ये 0, ये कैंसिल, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये डब्बा, ये जीरो। तो मतलब यहां हर डब्बे में हर जगह पे असाइन नहीं हो रहा है, तो हम क्या चेक करेंगे, आप हंगेरियन मेथड ही लगेगा इसमें। तो ये क्रॉस इसमें है, इसके अकॉर्डिंग इस पे क्रॉस, सॉरी इस पे टिक, फिर इस पे टिक होगा ना ऐसी, ये यहाँ पे असाइन नहीं था टिक, इसके कोरस्पॉन्डिंग इस पे असाइन था टिक, कोई ऐसी रो जिसमें सिर्फ असाइन हो ये टिक। तो अनटिक्ड कॉलम, सॉरी अनटिक्ड रो एंड टिक्ड कॉलम वापस से बनाएंगे, जहां पे प्लस का साइन बन रहा है वहां पे एड होगा, जहां पे सिर्फ लाइन है वहां पे कुछ नहीं होगा, जहां पे लाइन नहीं बन रही है वहां पे क्या होगा, माइनस होगा सबसे छोटे नंबर से। तो आपको बस जो मेन चीज समझनी है ना वो यही वाला स्टेप है कि कैसे हमें हंगेरियन लगाना है, और होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत इजीली समझा रही हूं मैं। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटा नंबर है आपका 8, तो ये 0 रहेगा, प्लस नहीं बन रहा है, यहाँ पे 28 हो जाएगा, प्लस बन रहा है 0, यहाँ पे 8 ऐड होगा 24, फिर यहाँ पे से 8 माइनस होगा 12, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 24 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 रह जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये 4 हो जाएगा, ये 28 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब असाइन करते हैं, स्किप 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 स्किप, रो में कॉलम में आते हैं,
डब्बा, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग ये कैंसिल, ये कैंसिल, डब्बा इसके कोरस्पॉन्डिंग ये कैंसिल, ये हर रो में जीरो, हर कॉलम में जीरो, यानी कि अब असाइन हो गए हैं। अब जॉब कैसे मिलेगी, ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड, हमने इनकी जॉब भी इन्हें असाइन कर दी। इस तरीके से हमें हंगेरियन मेथड लगाकर असाइनमेंट असाइन करके उनकी जॉब को आंसर निकालना है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से अभी तक हम क्या पढ़े थे, बैलेंस्ड इक्वेशंस पढ़े थे, बैलेंस्ड प्रॉब्लम्स पढ़े थे। अब है अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा, इन केस द नंबर ऑफ जॉब इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन, द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड असाइनमेंट। यानी कि नंबर ऑफ जॉब्स जो होंगे नंबर ऑफ पर्सन के इक्वल नहीं होंगी, असाइनमेंट प्रॉब्लम। दस कॉस्ट मैट्रिक्स ऑफ अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर सॉल्यूशन ऑफ सच प्रॉब्लम्स वी एड डमी रो कॉलम विद जीरो कॉस्ट, इट विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत इजी लैंग्वेज है, इसने बोला कि जॉब्स जो कॉस्ट मैट्रिक्स होगी वो अनबैलेंस्ड होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी। यानी कि जैसे कि 2x2, 3x3 की नहीं होगी, या तो 3x4, 2x3 इस तरीके से होगी। तो हम क्या करेंगे, उनको 3x3 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए फेक कॉलम और फेक रो बना देंगे उसी में, और उस रो में 000 ऐड कर देंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये था आपका 4x3 की मैट्रिक्स थी, हमने क्या करा इसमें फेक कॉलम जोड़ के 4x4 की बना दी, और उस फेक कॉलम में 0000 कर दिया। वी एड फेक रो कॉलम टू मेक इट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अनबैलेंस्ड में हम फेक कॉलम बनाते हैं उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है, चार रो तीन कॉलम, इसे बैलेंस बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 00 ऐड करना पड़ेगा। मैं इसी में कर दे रही हूं, मतलब आपको अलग से करना होगा लिख के, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। फर्स्ट स्टेप में आपके लिखेंगे कि दस दिस इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि इट इज अनबैलेंस्ड, वी विल एड अ फेक कॉलम टू इट। उसके बाद सेम स्टेप सेकेंड कि हमें क्या करना होगा, अगर हम फेक कॉलम जोड़ रहे हैं तो हमारा जो सब्ट्रैक्शन होगा वो रो मतलब कॉलम से ही होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। रो में तो क्योंकि 000 ही है सबसे छोटे, तो करने का फायदा नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट कॉलम से माइनस होगा। तो फिर हमारा जो सेकंड स्टेप होगा, आपको मैं यहां पे लिखा नहीं रही हूं पर मैं आपको बता रही हूं कि कैसे लिखना है। स्टेप फर्स्ट में आपके लिखेंगे कि हमने फेक कॉलम जोड़ा, स्टेप सेकंड में हम कॉलम से सबसे लीस्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम के सारे एलिमेंट से, ठीक है। आपका स्टेप से नहीं होगा, तो 9 सबसे छोटा है, 0, 4, 26, 9, 0, 3, 13 सबसे छोटा 17 है ना, फिर 9, 0, 6 छोटा सबसे 9, 14, ये तो 000 ही रहेगा। ये ए बी सी डी, ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ कि अनबैलेंस में ऐसा किया जाता है, बाकी सब वैसा ही है जो भी मैंने असाइनमेंट और हंगेरियन में कराया था, ठीक है। ये आपका स्टेप सेकंड होगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम क्या करते हैं, डब्बे असाइन करते हैं। मैं इसी में कर दे रही हूँ, पर आपको क्या लिखना होगा कि अब हम असाइन करेंगे इनके मार्क्ड जो बॉक्सेज होते हैं वो, और उसके बाद ये अलग स्टेप करेंगे। मैं इसी में कर दे रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, स्टेप बढ़ाते जाने हैं जितने आप स्टेप बढ़ा सकते हैं और हो रहे हैं। तो सबसे पहले इस वाली रो में वो है तो ये कैंसिल हो जाएंगे बाकी टर्म्स, ठीक है। थर्ड रो में सबसे पहले सिंगल जीरो है तो ये कैंसिल, फिर कॉलम में चेक करेंगे ये, फिर ये वाले में तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग ये कैंसिल। ये आपका कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है फेक वाला, फिर कॉलम माइनस करना है सेकेंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप असाइन करने का, ये फोर्थ स्टेप है, फिर फिफ्थ स्टेप आपका इस तरीके से होगा। मैं यहाँ पे बना देती हूँ, पहले आपको हंगेरियन मेथड लगाना है फिर करना है, ठीक है। ए बी सी डी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, हंगेरियन मेथड जिसमें सिर्फ क्रॉस हो ये, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये क्रॉस, सबसे सिर्फ सिंगल वो डब्बा ये है, अनटिक्ड रो टिक्ड कॉलम सारे जीरो कवर होने चाहिए। ये याद रखना, जब आप अनटिक्ड रो और टिक्ड कॉलम को ऐसे डैश डैश करेंगे तो सारे जीरो कवर हो जाने चाहिए, सिर्फ जो नंबर्स बचने चाहिए। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे जो बचे हुए नंबर्स हैं, और जहां प्लस बन रहा है वहां ऐड, और जहां लाइन है वहां छोड़ देंगे, सिर्फ एज इट इज नंबर्स लिखेंगे। थ्री प्लस साइन बन रहा है 3, 4, 0, 3, 23, 0, 6, 0, 6, 10, 11, 0। अब असाइन करेंगे 0 कोरस्पॉन्डिंग क्रॉस, इसके कोरस्पॉन्डिंग डब्बा ये क्रॉस,
ये चेक करते रहना है आपको कि इसके कोरस्पॉन्डिंग क्रॉस बन गया तो अब ये एक बचा है तो यहाँ डब्बा आ जाएगा रो में, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग ये एक बचा है, कुछ नहीं यहाँ डब्बा। अब हमने क्या देखा, हर कॉलम हर रो में डब्बे बन गए। तो फर्स्ट वाले के लिए, ए वाले के लिए फर्स्ट, बी वाले के लिए थर्ड, सी वाले के लिए सेकेंड और डी वाले के लिए फोर्थ। हमारी जॉब असाइन हो गई है। अनबैलेंस्ड के लिए इस तरीके से करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देती हूँ, आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये मैट्रिक्स है आपकी किसकी, 1 2 3 1 2 3 4 4x5 की। आपको इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है, अनबैलेंस्ड से बैलेंस करनी है। असाइनमेंट चेक करना है, अगर असाइनमेंट हो रहा होगा तो अच्छी बात है, वरना क्या लगेगा, हंगेरियन मेथड लगेगा, उसके बाद लास्ट में इसकी असाइनमेंट बन जाएगी। हंगेरियन मेथड तब तक लगाएंगे जब तक असाइनमेंट ना बच जाए, ठीक है। ये हमने अनबैलेंस पढ़ लिया है। इसके बाद थोड़े और टॉपिक्स बचते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। एक मोदी मेथड है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून, डू शेयर लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल विद्या महासागर और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं आता तो जरूर बताएं, और आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो जरूर चेक करना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।